इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसे आ जाना चाहिए था। कहां रह क्या होगा? तुम आंखों के सामने नहीं होते तो मैं परेशान हो जाता हूं। तुम्हारे बिना मैं एकदम बेसहारा हो जाता हूं। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। उदास क्यों हो? नई जगह की आदत नहीं है। जानती हूँ, बच्चों को नए शहर में परेशानी होती है, पर म्यूजिक प्रोग्राम के लिए आना जरूरी था। वाकई? हाँ, सुपरिटेंडेंट ने खुद मुझे बुलाया है क्योंकि संगीत स्कूल बंद होने का खतरा है। अगर मैंने म्यूजिक की अच्छी तैयारी करवाई तो लिगुशी पब्लिक स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। ओ, वो मैं खुद उठाऊंगा। पगला कहीं का, किसी को अपने ड्रम्स छूने नहीं देता।
सॉरी। पड़ोसियों को सोने नहीं दोगी क्या? ओ, हे। बहुत अच्छा बजा रहे थे, पर सुबह जल्दी उठना है ना? मॉम, मैं अब बच्चा नहीं रहा हूँ। जब तुम मुझे हनी या बच्चा कहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है दादाजी, आगे से ध्यान रखूंगी। अब तुम सो जाओ, ओके? गुड नाइट स्वीट हार्ट। मॉम। मेरे साथ ही चलोगे ना? नहीं, मैं चल के आ जाऊंगा। नहीं टीचर, तुम्हारी मॉम भी है इसलिए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तुम मुझे क्यों शर्मिंदा करोगे? वेल, लोगों के सामने मैं बजा नहीं पाता हूँ। म्यूजिशियन बनने के लिए स्टेज फियर निकालना होता है। तुम सिर्फ 12 साल के हो, धीरे धीरे सब ठीक होगा। चलो हम साथ ही चलते हैं। बात है, पहले दिन ही लेट हो गए। देखो तो अंदर कोई है कि नहीं। हाय। हाय। फर्स्ट बेल के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थैंक्स। सॉरी, हम नए हैं। आप नए हैं, सॉरी की जरूरत नहीं है। हाय, मैं हूँ सुजन कनिंघम। नहीं, म्यूजिक टीचर, मैं भी आप ही की क्लास में हूँ, स्काइलर। हाय स्काइलर, ये मेरा बेटा है एस। हाय। हाय। मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ। ओह, हमें जल्दी से क्लास में चलना चाहिए। हाँ। ओके ओके, रुको। हाँ, तुम लोगों ने खराब बजाया। क्या? ओ, दुआ करता हूँ कि तुम्हारी नई टीचर तुम्हें सुधार देगी। ओ, बच्चों, ये है मिसेस कनिंघम। हाय बच्चों, सुनो, प्रिंसिपल हिगमैन चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ मन लगाकर सीखो। मुझे लगता है तुम लोगों में बहुत प्रतिभा है। और किसी को तो ये नहीं दिखी। ओ, इससे मिलो, यह है मेरा बेटा एस। क्या तुम भी कुछ बजाते हो एस? प्रकर्शन। अच्छा अच्छा, तो ड्रमर हो। सुन सकते हैं कैसा बजाते हो? ओ, फिर कभी सुनेंगे तो नहीं चलेगा। क्या हर्ष है? और बुकल, चलो जगह खाली करो, इसको अपना हुनर दिखाने दो। देखो नया बकरा आया है। हाँ, वो देर से आया था, सीधा साधा लगता है। तुम्हारे कहने का मतलब है लल्लू है, उसकी मॉम हमारी टीचर है। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, पर ये मुझे एकदम घोचू लगता है। ओके, सर को थोड़ा सा बजा कर दिखा दो, फिर हम क्लास की पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या टपका है भाई? तुमने शुरुआत अच्छी की थी, 100 नीचे लगाते तो अच्छा होता, तुम्हें भी पता चला होगा। बैठा है। स्काई, तुम हमारा साथ नहीं दोगी? दूंगी, बस जरा ये चैप्टर पढ़ लो। पढ़ रही हो? OMG LOL। पढ़ाई तो घोचू करते हैं, और तुम घोचू नहीं हो, है ना स्काई? नहीं,
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा जाए तो तुम हिट हो चुके हो। देखो 30,000 लोग देख चुके हैं। मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगली बार इतने नर्वस मत होना, बस अपने आप पर भरोसा रखो। तुम लाजवाब ड्रम बजाते हो, बस मन से डर को निकाल दो। कुछ गड़बड़? तुम्हें अपने दादाजी सिल्वेस्टर याद है? यानी पापा के पापा? हाँ वही। अब वो नहीं रहे। बुरा हुआ, अब मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। मैं भी, बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, और वो है एक डॉग। एक डॉग? हाँ, उसका नाम फैंग है, और वो काफी समय से उनके साथ था। मतलब एक बूढ़ा डॉग? मैं एक बूढ़े डॉग के साथ क्या करूंगा? उसे नए नए खेल सिखाना। नया शहर, नया स्कूल, और ऊपर से एक बूढ़े डॉग को संभालना पड़ेगा। हे! हेलो, हेलो, क्या बात है, एक चिड़चिड़ा बूढ़ा डॉग। बाहर आओ, थके होगे, आकर पानी पी लो। वो निकल ही नहीं रहा। हाय फैंग, मैं सुजैन हूँ, आज से तुम यहीं रहोगे। मेरा नया आविष्कार देखकर हैरान रह जाएंगे, ये उम्र कम करने की टेक्नोलॉजी है। तुम बात किससे कर रही हो? फ्रैंक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैं इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा नया प्रोडक्ट है गेट अवे रिंकल्स, इसे एक बार लगाते ही आप जवान हो जाएंगे। मेरा असिस्टेंट फ्रैंक कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा है, कड़ी धूप और बुरी आदतों की वजह से। सच बताओ, मुझे करना क्या है? बस चुपचाप मेरा साथ दो, बस थोड़ा सा, ये आसानी से लगा सकते हैं। और बस ये हो गया। आपका रिएक्शन क्या है? वाह, मैं खुद को जवान महसूस कर रहा हूँ। पर ये क्या, मुझे तो जलन हो रही है। तो ये काम कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुंह जल रहा है मेरा। यानी दवा का असर शुरू हो गया है? मैं जल रहा हूँ, मेरा मुंह जल रहा है। देखो पानी मत लगाना, असर कम हो जाएगा। रोना धोना कम हो जाए तो यहाँ आ जाना फ्रैंक। वाह वाह वाह, जरा इसे तो देखो। उसके दांत नुकीले थे, आंखें चमकीली, वो मेरे ऊपर झपटा था। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने वो डॉग था। जेली भरी थी उस बाउल में, चेरी जेली। तो ये कोई कल्पना नहीं है। मुझे ये डॉग चाहिए। अपनी उम्र घटाने की दवा के लिए मुझे इस वैम्पायर डॉग का ब्लड सैंपल चाहिए। ये आविष्कार मुझे रातों रात मशहूर कर देगा। तुम मुझे ये डॉग लाकर दोगे, वरना? वरना क्या होगा? नहीं जानते? जब कोई अपनी बात वरना पे खत्म करे तो उसकी बात का मतलब हमें क्या समझना चाहिए? वरना क्या? कि वो तुम्हें धमकी दे रहा है फ्रैंक। पर तुम अगर जरा प्यार से कहती तो मैं दिल लगाकर काम करता। तो सुनो,
किलमोर कॉस्मेटिक्स ने हमें 2 मिलियन यूनिट का ऑर्डर दिया है गेट अवे रिंकल्स का, और अगर हम ये फॉर्मूला नहीं बना पाए तो समझो हम मारे जाएंगे। जिंदा नहीं रहेंगे? सही कहा। मर जाएंगे। सन की कहीं मॉम, क्या यह रात भर ऐसे ही घूरता रहेगा? मुझे पूरी रात बैठकर काटोगे फैंग? इसके लिए तो ये मामूली बात है। देखो, अभी उसके लिए यहाँ की हर चीज नहीं है, धीरे धीरे घुल मिल जाएगा। मॉम, ये एक ओल्ड डॉग है, इसकी उम्र कम बची है। चुप रहा करो। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट फैंग। एक वादा करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम भी नहीं। तो मिलाओ हाथ। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओह, मजाक छोड़ो फ्रैंक, सरप्राइजेस तो बच्चों के लिए होते हैं। पर मुझे तो सरप्राइज पसंद है। चलो बता भी दो फ्रैंक। वैम्पायर डॉग का पता मिल गया है। यानी तुमने काम कर लिया? हाँ। कहाँ है वो? देखो, पता चला है जिस बुड्ढे के पास वैम्पायर डॉग था वो मर गया है, और उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो इस घर में रहते हैं। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे डॉग अब इनके पास है। क्या तुम्हें यकीन है? यकीन नहीं, विश्वास है। मानता हूँ कि 100% यकीन से नहीं कह सकता, पर फिर भी कोई बात 100% तो सच होती नहीं है। बकवास मत करो फ्रैंक। क्या डॉग घर के अंदर है या नहीं? मुझे तो पूरा यकीन है, पर कंफर्म करने के लिए अंदर जाना होगा। देखो, एक काम करो, अंदर घुसो, डॉग को चुराओ ताकि हम यहाँ से दफा हो। माफ करना डॉक्टर वॉरहल, माना कि मैं थोड़ा कम समझदार हूँ, पर क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसमें कम खतरा हो? सबसे आसान है कि मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूँ। अब जाकर डॉग को चुराओ। तुम बहुत गुस्सा करती हो। ओह, तभी तो शहर की बड़ी हस्ती बनने के प्लान का दूसरा स्टेप ले पाऊंगी। वो दूसरा स्टेप क्या है? पास एक स्कूल है जो जल्द ही बंद होने वाला है। ये सड़क के दूसरे किनारे पर है। स्कूल की जगह मैं एक सेंटर बनाऊंगी जहाँ पैसे वालों को जवानी और खूबसूरती बेचूंगी। खूब पैसा और शोहरत मिलेगी। सेंटर का नाम होगा डॉक्टर वॉरहल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। नाम धांसू है। मेरा सेंटर खुलेगा तो किलमोर कॉस्मेटिक रास्ते पर आ जाएगा। हम लोगों का एक एक अंग बदल देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं, शब्दों पर नहीं, भावना पर जाओ। नहीं, 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 पर ये सपना वैम्पायर डॉग मिलने के बाद ही पूरा होगा। चल। वो रहा, वो मिल गया। चलो उसे पकड़ते हैं। I'm so sorry. नालायक। स्कूल जाने के बाद फैंक का ख्याल कौन रखेगा? हम उसे घर के पीछे बांध देंगे और पानी रख देंगे। चलो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे तुम तो हिलते भी नहीं। इसके लिए माफ करना, मुझे स्कूल जाना है।
सॉरी फिर लेट हो गया। कोई बात नहीं, इस हफ्ते सबका टाइम मैं नोट कर रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। सच्ची? कूल, थैंक्स। यू आर वेलकम। गवा दिया। ओह, सॉरी। कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। बच्चों, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तो इनको बता दिया ना कि मस्ती भरे दिन खत्म होने वाले हैं। मिस्टर हिकमन, ये अभी जरूरी नहीं। सब लोग ध्यान से सुनो, लोगों से पब्लिक स्कूल बंद हो रहा है, ये आखिरी साल है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। नहीं, ये पूरी तरह सच नहीं है। ये स्कूल बचाने का अभी भी एक मौका है। हम म्यूजिक कॉम्पिटिशन करवाने वाले हैं, अ बैटल ऑफ बैंड्स। अगर हमने ये कंपटीशन जीत लिया तो स्कूल बच जाएगा और ये बंद नहीं होगा। जो हो नहीं सकता। तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना लो और कंपटीशन की तैयारी करो। मकसद होगा अपने बैंड के प्रदर्शन से बोर्ड को इम्प्रेस करना, जिससे कि ये स्कूल चलता रहे। एस, तुम हमारे बैंड में शामिल होगे? हाँ। अच्छा मजाक है स्काई, सपने देखो माँ के लाडले। क्या तुम्हें प्यास लगी है? तुम्हें खाना चाहिए या कुछ और? बोलो क्या चाहिए? जले? क्या? थोड़ी सी रेड जली मिलेगी? क्या कहा तुमने? स्ट्रॉबेरी जली, वो मिल जाए तो ठीक है। चले, वो भी चलेगी, या कोई भी रेड जली, पोमग्रेनेट, वो मिल जाए तो भी चलेगी, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ओह ग्रेट, ठीक है, फिलहाल तो ये भी चलेगी, रेड जली भी होनी चाहिए। कहाँ हो मेरी रेड जली? अब चेरी जली की बारी है, खुशबू तो लाजवाब है। हाँ मिल गई, ये रही। ओहो वाओ, मजा आ गया। अब जरा इसे इसकी जगह में पहुंचा दूं।
शायद मैं कुछ सपना देख रहा था। ओह, क्या सपने में शहर के लोग तुम्हें नंगा देखकर हंसी उड़ा रहे थे और तुम शर्मा रहे थे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तुम्हें उठा कर लाया। क्या मतलब तुम उठा कर लाए? जैसे आलू की बोरी उठाते हैं। ये सब छोड़ो, तुम बोल कैसे सकते हो? बस ऐसे ही जीभ और मुंह हिलाता हूँ और बस शब्द अपने आप बाहर आ जाते हैं। किस्मत वाले हो कि मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, वरना तुमने तो मुझे बाहर धूप में छोड़ दिया था। तुम्हारे लिए वहाँ पानी रखा था ना? मैंने बताया ना कि मैं जली खाता हूँ, JELLY। क्यों? अगर बता दिया कि क्यों, तो तुम अपने बाल नोचने लगोगे। मेरा दिमाग पहले ही घूम रहा है। ओ, और याद रखना, मुझे धूप से एलर्जी है, इसलिए दोबारा मुझे कभी खुले में मत छोड़ना। एस, तुम कहाँ हो? मॉम आ रही है, घर आ चुकी है, उनके सामने बिल्कुल बात मत करना, समझे? ठीक है, चिंता मत करो, ना तो मैं ऊपर उठा कर लाऊंगा और ना बात करूंगा। ये क्या है, तुम सारी रेड चिली खा गए? मॉम, मैं फैन को घुमाने ले जा रहा हूँ। छैया छैया चलो बच्चे, छैया छैया चलो। पर तुम्हें धूप से इतनी एलर्जी क्यों है? देखो, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, पर सच बात यह है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। तुम वैम्पायर हो? हाँ, पर डरो मत, मैं एक अच्छा वैम्पायर डॉग हूँ। पता है, 500 साल पहले मैं 6 बंदरों और एक जिराफ के साथ ट्रांसिल्वेनिया में रहता था। खैर, वैसे तो कहानी बड़ी लंबी है, पर खास बात यह है कि याद रखना, अगर मुझे रेड जेली नहीं मिली तो मेरी वाट लग जाएगी। रेड जेली, समझ गया। ठीक है, तो इसे भूलना मत। अच्छा, दादाजी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि उनके पास तुम्हारा नंबर था। समझे नहीं, कैसा नंबर? मेरे मालिक बनने का नंबर, मेरी देखभाल करने का, बदले में तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। पर एक बात और समझ लो, मुझे संभालना कई बार बहुत मुश्किल होता है। यानी मैं तुम्हारा मालिक हूँ? नहीं नहीं, मेरा मालिक तो अमिताभ बच्चन है, और मैं तुमसे उसका पता पूछने आया हूँ। कब से तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ मेरे मालिक। क्या वो डॉग से बात कर रहा है? लगता है उसके साथ बहस कर रहा है, कहीं ये बावला तो नहीं हो गया? क्या अभी कोई शक है क्या? कहाँ खो गई स्काई? कम ऑन। अब क्या हुआ? मैं डॉग से बात कर रहा हूँ। मालिक, अपने आप पे कंट्रोल करो, अपना सिर घुटनों के बीच में रखो। पीछे जो बैग है उसमें जोर से फूंको। ये गंदा बैग मुझे क्यों दिया? ओ, जरा गलती हो गई। ये क्या हाल है रूम का? कुछ और हो रहा था क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद यहाँ एक एटम बॉम्ब फूटा है, साथ में बहुत सारे फटाके भी, और उसके बाद World War II और तबाही मच गई। शायद आज तुम्हें किचन में ही सोना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहीं सोऊंगा। ये सब कैसे किया? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और मुझे एक किस्सा याद आ गया, ये बात है 1947 की। इसीलिए तो कहा जाता है कि मेरे मुर्गे की डेढ़ टांग। अब जरा अपना पिटारा खोल लो, यही होना चाहिए। ओहो, यहाँ नहीं, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ रखा भी नहीं। ओप्स, आई एम सॉरी, सॉरी बिल्ली रानी। वाओ वाओ वाओ, बिस्किट्स। जरा मेरी मदद करो मेरे दोस्त। ये क्या चीज है? ये तुम्हारे दादाजी के फेचिंग स्टिक है, और देखो उसे छूना मत, वहीं रख दो। ये उसी के पास होती है जो मेरा मालिक होता है। वैम्पायर डॉग हो तो क्या हुआ, इसी से कंट्रोल होता है, उसे वहीं रख दो। शाबाश बच्चे। और ये क्या है? यही तो चाहिए थी, ये है मेरी बायोग्राफी। जितने भी लफड़े मैंने किए हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, और भी कुछ लिखना बाकी है। और ये क्या? ओह, ये मुझे सुकून देता है, खूबसूरत है ना? खास मेरे लिए बना मेरा पोर्टेबल कॉफिन।
तुम्हें ये कॉफिन की क्या जरूरत है? भूल गए, मैं वैम्पायर डॉग हूँ। मतलब तुम इसके अंदर सोते हो? नहीं, इसमें नहाता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया। देखो, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी सोना पड़ेगा, प्लीज डिस्टर्ब मत करना। देखो बच्चे, मैं गहरी नींद नहीं सोता तो खर्राटे भी नहीं लेता हूँ। चले 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 चले। ओके, हम पहुंच गए। अब जल्दी डॉग को पकड़ कर ले आओ। वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वैन के बाहर आ गया हूँ। गुड। अब मैं उसे चुराने जा रहा हूँ। हाँ, ये लो, फिर आ गए। अब आए हो तो भुगतो। मुझे भूख लगी है, चाइनीज मिलेगा क्या? बकवास बंद करो। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ने वाला हूँ। दरवाजे के सामने हूँ। लगता है डोरबेल काम नहीं कर रही। क्या बक रहे हो? ताला तोड़ कर अंदर जाओ। चोर कभी बेल बजाता है क्या? अंदर जाओ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अंदर पहुंच गया। ये सब क्या है? बताने में शर्म आ रही है। फालतू में गाड़ी घुमाए। ओ, ये अच्छा नहीं हुआ। अरे नहीं। ओप्स। दुश्मन बड़े प्यारे थे। वाह, जबरदस्त गाड़ी भागी, मजा आ गया। ये गाड़ी तो कबाड़ी में अब किलो के भाव जाएगी। सुनो दोस्त, उठ जाओ दोस्त। बच्चा है? ओ सॉरी, नींद खराब की क्या? आज मैं तुम्हारे साथ छुपकर तुम्हारे स्कूल जाना चाहता हूँ। तुम छुपकर मेरे साथ स्कूल जाना चाहते हो? मेरी बात को रिपीट क्यों कर रहे हो? स्कूल में सब मुझे संग की समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे सबसे पहले मुझे तुम्हारे कपड़ों का कुछ करना होगा। इन कपड़ों में क्या खराबी है? तुम तो एक म्यूजिशियन हो ना, करेक्ट? तो वैसे ही दिखना चाहिए ना। मैं नहीं पहनता। कैसा लग रहा हूं मैं? लड़कियां दीवानी हो जाएंगी। हम इतनी जल्दी यहां क्यों आ गए? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे।
पहले से ही मेरा मजाक उड़ाते हैं। कल रात जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए मैंने तुम्हारा ड्रम सुना था, ठीक ठाक बजा लेते हो। थैंक्स। तुम्हें देखकर एक लड़का याद आता है। इसमें डॉग है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बैंड की रिहर्सल करने के लिए। डॉग तुम्हारी तरह नहीं है, हमें लोगों के सामने बचाने में डर नहीं लगता। अचानक मुझे ऐसे ये सब तुम स्कूल बचाने के लिए कर रही हो? तुम कह सकते हो, तब तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। बिल्कुल नहीं, नहीं हम स्कूल के लिए नहीं कर रहे, ये सब हम नाम कमाने के लिए कर रहे हैं, शोहरत के लिए, ताकि रिकॉर्ड कंपनी आए और हमें ऑफर दे, हम स्टार बन जाए। एस, एस, बच्चे कहाँ हो? डॉक्टर वॉरहोल आइए बैठिए। मुझे दो चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है मिस्टर हिकमन, बच्चे और डॉग्स। सॉरी मैं ये मेरी पुरानी बीवी ने रखे थे, मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं है, भद्दे जानवर। तो तुम्हें पसंद है मेरा प्रपोजल? मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। क्या है कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पूरा सपोर्ट करूं आपके प्रपोजल को। समझदार हो, और सब कुछ ठीक रहा तो तुम मेरे लिए काम करोगे, वो भी 4 गुना ज्यादा सैलरी पर। देखिए मैं स्कूल की हालत के बारे में तो आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। हाँ, तो हालात से निपटने का कोई प्लान बनाया तुमने? जब तक बोर्ड स्कूल को चार्टर स्कूल की मान्यता नहीं देता, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये म्यूजिक कंपटीशन का क्या चक्कर है? ये स्कूल को बचाने की आखिरी कोशिश है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। इसका हमारे प्लान पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा ना हिकमैन? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैडम। गोलियां कच्ची हो या पक्की, काम होना चाहिए। ये स्कूल बंद होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतनी मार पड़ेगी कि सीधे खड़े नहीं हो पाओगे। हमें दूसरे बेड का इंतजाम करना होगा, इसमें तो मेरी कमर अकड़ जाती है, लगता है जैसे मुझे सामान की तरह ठोस दिया गया है, और मेरे ख्याल से एक व्हील बैग खरीद लें तो अच्छा रहेगा। कब से बकबक कर रहा हूँ, कुछ सुन रहे हो या नहीं? क्या बात है, किस बात की परेशानी है? कहने में आसान है पर एक वैम्पायर डॉग का मालिक बनना मुश्किल है। परेशान हो गए, अभी तो 3 ही हफ्ते हुए हैं। चलो अंदर जाओ, लंच में मिलने आऊंगा। लंच? हाँ, लंच से याद आया, जले लाना मत भूलना, जले जरूर लेकर आना, समझ गए? नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब अपना अपना पार्टनर चुन लें। तुम और स्काइलर ठीक है? बेचारी स्काई। सुना है आज जल्दी स्कूल आए थे? ओह हाँ, मुझे कुछ काम था। तो तुम्हें पता ये कैसे करते हैं? ओके, स्टेप 1। अरे ये तो जल्दी हो गया। शाबाश बच्चों। पर तुमने ये किया कैसे? किसी को बताना नहीं। हाँ मेरे फ्रेंड्स को पढ़ाई पसंद नहीं है। फ्रेंड्स? उनको तो कुछ भी पसंद नहीं। जानती हूँ, पर मेरी जिंदगी में पहला मौका है जब मुझे वाकई वाकई अच्छा दोस्त मिला है, और मैं उसे साइंस लैब में कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। इट्स ओके, तुम्हारे सीक्रेट मेरे पास सेफ है। कल शाम को मैंने तुम्हारा ड्रम सुना था।
सच्ची? मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। मैंने तुम्हारा ड्रम सुना, कितना अच्छा बजाते हो। मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं मजाक कर रहा था, पर किसी को बताना मत। वो क्यों? क्योंकि मैं जब भी किसी के सामने बजाता हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये तुम कह रही हो? तुमने मेरा सीक्रेट खोला तो मैं तुम्हारा खोल दूंगी। कौन है? ओ, क्या कोई अंदर है? नहीं तो पैराडिड्स, ये सबसे टेक्निकल ड्रम है। कौन सा डिडल्स? भले ही इनके साउंड अजीब लगे पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उस खोजू की तरफ कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है, और वो भी उसे म्यूजिक क्लास में उसकी हालत देखने के बाद। देखो कैसा चिपक रहा है। पर एक बात माननी पड़ेगी, शराफत का पुतला लगता है। कहीं स्काई को शराफत का बुखार ना चढ़ जाए। हमें उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा। ये क्या किया? गलती से गिर गया। कम ऑन स्काई, क्या मेरे साथ चलो। सॉरी, तुम्हें उसे बचाना था। तुम ठीक तो हो स्काई? हाँ, मुझे क्या हुआ? पर ऐस कहाँ गया? पहाड़ में जाए, उसकी परवाह यहाँ किसे है। सच कहूँ तो मुझे है। हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हारी जूती के लायक भी नहीं है। ओह, मुझे जल्दी चाहिए। वो बच्चा कहाँ है? मुझे खुद ही इंतजाम करना होगा। लगता है मैं कमजोर हूँ, ये मामूली दरवाजा भी नहीं खुलता। मुझे जली चाहिए। सारे बच्चे, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं बचा। क्या कहाँ पर है मेरी जली? मेरे ख्याल से कोई फिल्मी धुन तैयार करनी चाहिए जो पेपी हो, जैसे कि मुन्नी बदनाम हुई। मेरा मानना है कि हमें कंपटीशन के लिए वेस्टर्न रॉक तैयार करना चाहिए। क्या सोच रही हो स्काई? सॉरी। ए, हमारी बात ध्यान से सुनो, समझी? कंपटीशन के लिए रॉक तैयार करने का फैसला किया है। ओके, अच्छा रहेगा। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं। ये आवाज कैसी है? जले। बाहर क्यों निकले? जली खाने। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? शायद कुछ लोगों ने देखा होगा। अब चलो वापस अंदर चलो। वैसे एक बात कहूँ, जितने लोगों ने मुझे देखा ना, वो 200-400 थे। क्या? नहीं कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। नालायक, क्या हाल है? हाल ठीक नहीं अंकल बेरी। रोया मत करो, हंसते रहो। रिहर्सल कैसी रहे? ओके, ठीक ठीक। यानी बहुत अच्छी नहीं है ना? नहीं, मैं वही कर रहा हूँ जो आपने कहा था अंकल सर। ऐसा करूँगा तो किसी मुसीबत में तो नहीं फंसूंगा ना? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, बस मुंह बंद रखना। ठीक है, रखूंगा। गुड, किसी को पत्ते मत दिखाना मेरे के। नाम मत बिगाड़िए। वो क्या है कि आजकल मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कहते हो, सत्ते पे सत्ता या नहले पे दहला। ये डायलॉग पुराना है अंकल बेरी। मैं भी तो पुराना आदमी हूँ। अब जाओ। ए, चलो 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 चलो। एस एस
थैंक्स, अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। पर मैंने क्या किया? चलो भी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। पता है आज दोपहर को क्या हुआ? एक डॉग ने कैंटीन में हंगामा खड़ा कर दिया, वो सबकी जेली खा गया और सबके कपड़े खराब कर दिए। ये किसकी आवाज है? कौन सी आवाज? तुम्हारी इस बैग में क्या है? दिखाओ, दिखाओ ना मुझे क्या है। खींचा ताली मत करना, दर्द होता है। मैंने कहा था ना दर्द होगा। तुम्हारी बैग में डॉग? ये बोलता भी है? चलो। स्काइलर, ये फैंग है। फैंग, ये स्काइलर। हैरान मत हो स्काइलर, वैसे तुम जैसी खूबसूरत लड़की इस घटिया जगह पे क्या कर रही है? ये सब कैसे कर लेते हो? ड्रम बजाना, डॉग से बात करवाना, तुम तो बड़े इंटरेस्टिंग हो ऐस। अरे वाह, बात करने वाला तो तुम्हारे सामने बैठा है और तारीफ तुम उसकी कर रही हो। ये तो वाकई बड़ा कमाल है, सिखाया कैसे? देखो, इसे हर बात बताना जरूरी नहीं है। क्यों? वैसे भी मेरा राज छुपाए रखो, क्योंकि ये एक अनोखी ट्रिक है। गुड पॉइंट। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं समझा सकता हूँ। क्या अगले साल तक हम सिर्फ जेली खाने वाले हैं? लेकिन जब भी डॉग को जेली की जरूरत पड़े तो वो हमारे पास आए। अरे यहाँ मक्खन अचार थोड़ा खरीद। नहीं, अभी दो और दुकानों से जेली उठानी है। हमारे सिवा शहर में कहीं और जेली नहीं मिलनी चाहिए। तो तुम्हारे वैम्पायर डॉग बनने की वजह क्या है? एक शब्द में, बदकिस्मती। 500 साल पहले की बात है, एस के पूर्वजों के समय एक बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ करता था और उसका नाम था व्लैड द वैम्पायर। और वो एस का दादा 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 का परदादा था। एक मिनट, एक दादा शायद ज्यादा बोल गया। काम की बात बोलो। बहरहाल, उन्होंने राजा के खिलाफ बगावत कर दी और राजा ने तुम्हारे पुरखे को काटना चाहा और तभी मैं बीच में कूद पड़ा। तुम कूद पड़े? और क्या करता, मालिक को बचाना जो था। शॉर्ट में कहूँ ना, उसने मुझे काट दिया पर तुम्हारे महापरदादा ने उसे भगाया और देश को उसके चंगुल से बचाया। और उसके बाद दुनिया से वैम्पायर का नामो निशान मिट गया। फिर क्या था, उसी वक्त से लेकर अब तक उनका खानदान मुझे पालता आ रहा है। तो ये किस्सा है, तुम तो एक हीरो हो। नहीं बच्चे, मैं तो बस एक भूत हूँ। नहीं तुम नहीं हो। काश मैं एक पल के लिए असली डॉग बन पाता, धूप में खेल पाता, रोशनी से नहा पाता, सन बात के मजे लेता। मुझे अफसोस है फैंग। hey, तुम्हारी क्या गलती है? चलो पार्क में चलते हैं। बच्चे ये छड़ी क्यों लाए? मैंने इसे लाने से मना किया था ना। मारे नहीं ना, फेंकना मत, अभी से मत फेंकना। कहा ना, मैं मारता हूं तुम। अच्छा ठीक है, तुम इसे दोबारा मत फेंकना, ठीक है? नहीं, बात मानो। यस तुम परेशान कर रहे हो तुम। अच्छा तुम ये जेली क्यों खाते हो? तुम तो वैम्पायर हो, खून क्यों नहीं पीते? पीना क्या, मुझे तो उसके नाम से भी चिढ़ है। मुझे नफरत है उस खू, समझ गई ना, वो जो लाल लिक्विड है। पर जेली मिलने से पहले क्या खाते थे? हिरण के सींग, घोड़े के खुर। मैं समझ गई, जेलेटिन। क्या? जेलेटिन कोलेजन का ही एक बदला हुआ रूप है। देखो जो कहना है साफ साफ कहो। जेली में जेलेटिन की मात्रा होती है और जानवरों में ये प्राकृतिक यानी कोलेजन के रूप में होता है। फैंग को कोलेजन चाहिए जैसे वैम्पायर को हेमोग्लोबिन की जरूरत होती है, तो फैंग को खून नहीं कोलेजन चाहिए। वाओ, तुम तो बहुत होशियार हो। ये सारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से निकल गई। अरे ये तो तुम और तुम्हारे डैड है ना, पता है तुम्हारी उम्र में तुम्हारे जैसे दिखते थे। उनकी याद दिला के दुखी किया क्या? कोई बात नहीं, मेरे डैड अच्छे थे। हाँ जरूर रहे होंगे, तभी तो तुम भी अच्छे हो। मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं मानता, तुम डॉग हो, एक प्यारे डॉग।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? ये तुम्हें धूप से बचाएगा। वाह, एकदम फिट है। अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा? अरे मैं साहब लग रहा हूँ। अपने सलाइवा का सैंपल दोगे? सलाइवा क्या, जान भी दे दूंगा। ये किसके लिए? ये स्कूल में बताऊंगी। सलाइवा का क्या करोगी? मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। रिहर्सल से पहले मुझे लैब में जाना होगा। तुम्हें एक पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी ना। होमवर्क करने नहीं जा रही। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। तो मैं तुम्हें अंदर कैसे ले जाऊँ? तुम मेरी चिंता मत करो, उस लड़की को कहीं डेट पे ले जाने की सोचो। कैसी बात कर रहे हो? डॉग्स में सूंघने की शक्ति होती है और तुम्हारी खुशबू बता रही है कि तुम्हारे दिल में कुछ है, इसलिए सोचो मत, जाकर दिल की बात कहो। तुम मेरे साथ चल रहे हो? नहीं, मुझे धूप में सूट का ट्रायल लेना है। और हाँ, लॉकर खुला रखना। ओके, बाद में मिलते हैं। ये मौका हाथ से मत जाने दो। जाओ। Can I help you? कुछ नहीं। तो यहाँ क्यों आए हो? ऐसे ही, तुम्हारे ड्रमर ताल में नहीं बजा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ताल में बजा रहा था। मैंने तुमसे कहा था साथ में बजाना। कम से कम बजा तो रहा हूँ, इसके जैसा तो नहीं हूँ ना। मुंह क्या देख रहा है, जा यहाँ से घोचू। 5 मिनट का ब्रेक है। स्काई कहाँ रह गई? मुझे नहीं पता। तुमने जेली ऑर्डर नहीं की? की थी, पर उनके पास नहीं है। किराने की दुकान में तक नहीं है। जेली की शॉर्टेज हो गई है। देखो तो कितने बुरे दिन आ गए हैं। ओह, लगता है आप मुझे अपने भक्त को दर्शन देने ही पड़ेंगे। चाहिए आपको? पता,
बदतमीजी है। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बारे में कोई बात मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिहर्सल के लिए क्यों नहीं आई? मैं वो अपना होमवर्क कर रही थी। OMG, हमने सुबह की क्लास कंपटीशन के प्रैक्टिस के लिए बंक की थी, ना कि ये ना कि लैब में बर्बाद करने के लिए। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम फिर से लैब में अकेले बैठकर लंच खाना चाहती हो? मैंने तुम्हें जीना सिखाया स्काई। दो साल पहले तुम कितनी भोंदू थी, पर मैंने तुम्हें हौसला दिया और अपनी टीम में शामिल किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने प्रैक्टिस में ना आकर एक तरह से हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। I'm sorry. Sorry की जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्काइलर से बात करने आया हूँ। उसका नाम स्काई है। तुमसे बड़ा बेशरम मैंने कभी नहीं देखा। मुझे लगता है बेशरम मैं नहीं, तुम दोनों हो। एक्सक्यूज मी, मुझे स्काइलर से बात करनी है। वो हमारी फ्रेंड है, तुम्हें उससे जो भी बात करनी है हमारे सामने करनी होगी। ओके फाइन। स्काइलर, तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी? उसका जवाब है नो। मैंने तुमसे नहीं पूछा। स्काइलर बोलो। मैं नहीं जा सकती एस। ऑलराइट स्काई, मैं तुम्हें 10 मिनट में ऑडिटोरियम में देखना चाहती हूँ। क्या तुम साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती? विलेन आराम नहीं करते। चमचे तो करते हैं ना। शट अप। हम पहुंच गए। लो, आखिरी चम्मच भी डाल दिया। अभी तुम्हें और लाना पड़ेगा। कभी कभी खुद भी काम कर लिया करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? देखो, इसे बनाने में तो घंटे लगेंगे, तब तक पिज्जा खा सकते हैं। नहीं, मेरे पास एक चीज है जिससे जिलेटिन की गंध तेजी से फैलेगी। आ जाओ डॉगी, 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 आ जाओ डॉगी। क्या थोड़ी जेली मिलेगी? जेली नहीं है। जेली नहीं है? नो जेली। जेली नहीं है। जेली नहीं है? नहीं है। अब क्या होगा? मुझे जेली चाहिए। अब जेली की रट लगाना छोड़ो। नहीं, मुझे कहीं से भी जेली ला कर दो। क्या बात है? जेली। शोर किसका था? ये क्या हुआ? पता नहीं, पर जरूर कुछ गड़बड़ है। पकड़ लो उसे। हे!
ए, हे, ये मेरा डॉग है। नहीं, ये मेरा डॉग है। तुम कौन हो? तुम्हें क्यों बताओ? मेरा डॉग वापस दे दो। वो मेरा है। ये पाउंड में जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मुझे ये डॉग चाहिए। ए फ्रैंक, आराम हराम है, वैन में चलो। यस सर। मैम, डॉक्टर। देखिए सर, मेरे डॉग को पॉन में मत डालिए, ये मामूली डॉग नहीं है। बहस मत करो बच्चे। तुम्हें फैंक को स्कूल में नहीं लाना चाहिए था। मुझे पता है नहीं लाना चाहिए था, मगर वो फैंक, वो है। फैंक क्या है? फैंक एक स्पेशल डॉग है। हर बच्चे को अपना डॉग स्पेशल लगता है, पर फैंक को स्कूल नहीं लाना चाहिए था। ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तूफान गुजरा है, और मुझे यकीन है कि उस डॉग का ही काम। प्रिंसिपल हिकमैन, आई एम सो सॉरी। क्या कोई समझाएगा कि एक बदमाश डॉग मेरे स्कूल में कैसे आया? रुको, मॉम उन्हें फैंक को पॉन में मत ले जाने दो। सॉरी मेरे बच्चे, पर मॉम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अब चलो। उस खोजू से पीछा छूटने पर तुम खुश नहीं हो स्काई? तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम नहीं रुकी तो हमारे बैंड से निकाल दी जाओगी। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, अगर उस कॉर्नर से मुड़ी तो याद रखना, यू आर इन। गनीमत है तुम्हें स्कूल से नहीं निकाला, गनीमत है मुझे नौकरी से नहीं निकाला। अभी शाम के प्रोग्राम की कितनी तैयारियां बाकी हैं। I'm sorry. क्या हम फैंक को वापस ला सकते नहीं, हैं? अभी नहीं, अभी बहुत काम करने हैं, उसे कल भी छुड़वा सकते हैं। वो नहीं रह सकते, मेरी जरूरत है उसे। इस बस बहुत हो गया, वो सिर्फ एक डॉग है और कुछ नहीं। अब तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगे। मैं बैंड कॉम्पिटिशन में कैसे जाऊंगा? तुम वहाँ क्या करोगे? मैं नहीं चाहती तुम वहाँ आओ। क्यों ना आऊं? मेरे आने सब शर्मिंदा होगी। बिल्कुल नहीं, पर आज हमने कॉम्पिटिशन नहीं जीता तो मेरी नौकरी जा सकती है और तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। गस, गस, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? नहीं फैंग। था, पर तुम्हारी मॉम ने कहा तुम सो रहे हो। मैंने मेडिसिन ढूंढ ली है जिससे फैंक धूप में जा सकेगा। मॉम देखिए, इसके पहले पीछे से अंदर आ जाओ। मैंने अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है, ये धूप की एलर्जी से बचाती है, और फैंक को भी तो धूप से एलर्जी ही है। तुम्हें यकीन है? उसे आम डॉग तो नहीं बना सकते, पर धूप की एलर्जी से तो बचा सकते हैं। पूरी दोपहर मैं लैब में इसी पर काम करती रही। तुम्हारे दोस्तों ने कुछ पूछा नहीं? जो मुझे ना समझ सके उनके साथ दोस्ती कैसी? Hey, fellas, fellas, मैं किसी को फोन लगा रहा हूँ। ऑपरेटर, कैन आई हेल्प यू? देखिए, मुझे अपने दोस्त एस से बात करनी है, लेकिन मुझे उसका नंबर पता नहीं है। कोई बात नहीं, सरनेम बताइए। एक मिनट, सोचता हूँ। शहर जैसे कुछ नाम है, बड़ा शहर नहीं, वो भी नहीं, नहीं काला घायल, नहीं नहीं नहीं, रुको, कनिंगहम। इस नाम से एक ही कनेक्शन है, अभी कनेक्ट करती हूँ। हेलो,
हेलो सुजन, सुनो मुझे यहाँ रहने पे थोड़ी तकलीफ हो रही है। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन है? मैं हूँ फैंग। मुझे जानवरों के साथ रख दिया गया है, इससे कहो कि मुझे यहाँ से ले जाए। कौन हो तुम? कहा ना फैंग, तुम्हारा नया डॉग। ठीक है अब फोन रख दो। शायद उसे मजाक लगा होगा। कल वहाँ से छुड़ाने के बाद उसे ये मेडिसिन देंगे। थैंक्स काइलर। वाकई थैंक्स कहना चाहते हो तो फिर से डेट पर चलने को कहो, इस बार मना नहीं करूंगी। अभी किसी ने फैंग के नाम से मुझे झूठी कॉल की थी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके ठीक है। एनिमल शेल्टर बोलिए। फैंग? एस, एस मुझे बचा लो मेरे दोस्त। ये फैंग है, वो मुसीबत में है। एस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए फौरन। चिंता मत करो फैंग, हम आ रहे हैं, तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं, फोन तक पहुँचने में ही सारी ताकत खत्म हो गई। जल्दी चलो। शोर मत करो। मेरी पूंछ की तरह ये भी कभी सीधे नहीं होने वाला। ये क्या? ये तो बंद है। तो क्या तुम्हारे लिए खोल के रखेंगे? तो चाइनीज खाना है क्या? अब अचानक चाइनीज खाने की कैसे सूझी? वैसे मैं तो डाइटिंग पर हूँ। सच में? इसीलिए तुम मुझे स्लिम दिख रही हो। मस्का मत लगाओ। अच्छा स्लिम दिखने के लिए तुम जिम भी जा रही हो? खून जला रही हूँ। वो तो तुम अब भी जला रही हो, हमेशा जलाती ही रहती हो तुम तो। जलाना काम ही है। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? मुहूर्त निकलवाना है क्या? सॉरी पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा। आओ। ओह गॉड। लो खुल गया। पता है ना मुझे जानवरों से कितनी नफरत है। डॉगी, नाइस डॉगी। ओके वो रहा। तुम्हारे घूरने से मैं डर जाऊंगी बच्चों। तुम्हारे वैम्पायर पैंतरे मुझ पर काम नहीं करेंगे। पैंतरे? तब तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। दोस्तों जल्दी यहाँ से निकलो, मेरा दिमागी संतुलन बस बिगड़ने वाला है। शो खत्म होने वाला है, जल्दी चलो। ठीक है चलो। बदमाश डॉग। मैं डॉक्टर हूँ। देखो वो घर जाने की हिम्मत तो कर नहीं सकते, तो वो कहाँ जाएंगे? अपनी अकल की सारी खिड़कियाँ खोलकर अच्छी तरह सोचो डॉक्टर। मिल गया, स्कूल के लिए हो रहे म्यूजिक कंपटीशन में। मैं आ रही हूँ मेरे जैकपॉट। पैन निकालो। फिर से? लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए लिंकन मिडिल स्कूल की जैज टीम का। पीछे चलते हैं। कम ऑन।
कई बार तो मैं बेवजह परेशान हो जाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं ना। उसे छोड़, हम यहाँ बच्चों को नहीं उस डॉग को ढूंढने आए हैं। हंसे क्यों? तुम्हारी आवाज चुड़ैल जैसी। कब देखी चुड़ैल? सीरियल में देखी है। ओ शट अप। झुको। उसने नहीं देखा। वो मिल गए। भागो। क्या कर रहे हो? निकालो इसे। हेलो हेलो। थैंक यू लिंकन मिडिल स्कूल की जेस टीम। और अब बारी है कैनेडी मिडिल स्कूल की। पीछे से आता हूँ। एस, मुझे लगता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। पर फैंग ने कहा है कि तुम में से मालिक कौन है, तुम या वो? सुनो, मैं भी यही खड़ा हूँ और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। ठीक है, बुलाते हैं। मिल गए मिल गए मिल गए। तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे डॉग दे दो। तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो? देखो, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो डॉग मुझे दे दो और अपनी दोस्त के साथ मजे करो। तुम जा सकते हो। का शुक्रिया अदा करती हूं। अब आ रहा है लिगोसी पब्लिक स्कूल का बैंड अपनी खास पेशकश के साथ। फ्रैंक, तुम टकरा गए थे? नहीं, मैं हवा के झोंके से गिर गया। इडियट। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों से पब्लिक स्कूल चीटिंग कर रहा है। ये एक कंप्यूटराइज्ड ड्रमिंग प्रोग्राम है। इस लड़के को ड्रम बजाना नहीं आता। तुम्हारी टीम ने फ्रॉड किया है। उन्होंने ही चीटिंग करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में जीतना है। अगर उन्होंने कहा होता तो पकड़ते क्यों? मुझे अफसोस है, लुगोसी पब्लिक स्कूल पर आप इस कंपटीशन से बाहर हो गए हैं और इसकी जांच भी होगी। एस, तुमने सुना ना क्या हुआ? किसी ने लड़के को चीटिंग के लिए नहीं कहा सुपरिटेंडेंट। हमने कभी कोई मान भी लें, लुगोसी पब्लिक स्कूल ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है
वो काबिले तारीफ है, पर इनका बैंड सवालों के घेरे में है और कॉम्पिटिशन से बाहर। अगर वो दूसरा ड्रमर ले आए तो क्या वो भाग ले सकते हैं? तब हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए बढ़िया चांस है, सबको दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, ये तुम्हें खुद करना होगा। डरो मत ऐस, तुम बहुत अच्छा ड्रम बजाते हो, खुद पर भरोसा रखोगे तो सब तुम्हारे संगीत पे झूमेंगे, मुझे विश्वास है। मैं बजाऊंगा। ऐस तुम यहां? मैं ड्रम बजा सकता हूँ। बजा सकते हो? तुम्हें ड्रमर चाहिए था ना? तुम? हाँ मैं। स्काई समझाओ इस खोचू को, हमें कोई घटिया ड्रमर नहीं चलेगा। जेनी। क्या? मेरा नाम स्काई ल है, समझी? और चुपचाप एस को ड्रम बजाने दो, वो अच्छा बजाता है। ओके। चलो बाहर चलते हैं, जैसे ही बाहर निकलेंगे पकड़ लेंगे। हमें तो बदमाशों की शिकायत मिली है जो बच्चों के पीछे पड़े हैं। मैंने तो ऐसे यहाँ कोई बदमाश नहीं देखे। और तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ ये बुरा सपना जल्दी टूट जाए। हम ही वो बदमाश है, धोखेबाज कहीं चुप रहो झूठी, तुम तो असली डॉक्टर भी नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऑफिसर मुझे गिरफ्तार कर लो। छोड़ दो नहीं तो पछताओगे। ये सब बाद में, चलो। पता नहीं कहाँ गलती हो गई, गलत लोगों को साथ रख लिया, ऐसा होगा नहीं सोचा था। बुरे काम का बुरा नतीजा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सोच विचार करने के बाद हम मानते हैं कि लुगोसी पब्लिक स्कूल ने, मेरे कहने का मतलब है कि शानदार संगीत का प्रदर्शन किया है। एक सुपरिंटेंडेंट होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि लुगोसी स्कूल को चार्टर संगीत स्कूल की मान्यता दी जाए। इस तुम्हारा घर से भागना मुझे अच्छा नहीं लगा, भले ही तुम फैंग के लिए भागे। सॉरी। पर आज तुमने जो ड्रम बजाया उसके लिए मुझे तुम पर बहुत फख्र है, तुम्हारे डैडी होते तो वो भी फख्र करते। हाँ। नहीं मैं, वो डॉग वैम्पायर है, मुझे उसका डीएनए चाहिए। जरूर लेना। जानते नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ, तुम एक जादूगरनी हो। प्लीज सर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसी ने सारा प्लान बनाया था, धमकी दी थी कि स्कूल से निकाल देगा मुझे। क्यों अंकल को बर्बाद करने पर तुले हो? तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों को इसका फल मिलेगा। अरबकल तुमसे मिसेस कलिंगम निपटेंगी, हिकमैन तुम्हारी छुट्टी। चुप रहो।
कुछ नहीं होगा फैंग, भरोसा रखो। मुझे डर लग रहा है स्काइलर। एस, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? उस पे विश्वास रखो फैंग। ठीक है, जली तो नहीं है पर बुरी भी नहीं है। चलो फैंग। कम ऑन फैंग। अगर इसने काम नहीं किया तो मेरी तो समझो वाट लगी। मुर्गी जैसे क्यों बन रहे हो? क्वाक क्वाक। देखो, कोई मुझे मुर्गी नहीं कहेगा। वैम्पायर डॉग होना भी मजेदार होता है। कम ऑन फैंग, कम ऑन, चलो। कम ऑन फैंग, घर चलना है। यहाँ से अच्छे डॉगी। ओके शराब, हम यहाँ क्यों आए हैं? वेल, हम पकड़ेंगे एक वैम्पायर डॉग। किलमोर कॉस्मेटिक्स ने हमें 2 मिलियन यूनिट रिंकल बनाने का गेट 2 मिलियन यूनिट का गेट अवे रिंकल्स। अगर हम गेट अवे गनीमत है कि ठीक है। तुम्हारे इस बैग में क्या है? सॉरी। और नालायक, क्या हाल है? हाल ठीक नहीं है अंकल बेरी। क्या हाल है? हाल ठीक नहीं है अंकल बेरी। हाल ठीक नहीं है अंकल बेरी। हाल ठीक नहीं है हिटमैन। ओके सॉरी, पहला वाला देखो, ये ओके है। सारे शहर की जेली हमारे पास होनी चाहिए। और जो घरों में रखी है वो? तभी हम कामयाब होंगे। खुल ही नहीं रहा है। लगता कि कोई आसान सा रास्ता होना चाहिए था। सबसे आसान रास्ता है कि मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं। मुझे हर हाल में वो डॉग चाहिए। I'm sorry. Sorry. वो बैग कहाँ है? वो टेबल पे ही रखा हुआ है। I'm sorry. I'm sorry. ये क्या बदतमीजी है? एक भी नहीं टूटा, मैं बता भी नहीं सकता। वियतनाम पर हमला हो गया। तुम कहां थी? यहां कोई बेशरम है तो तुम दोनों, तुम लोग यहां से जा सकते हो। तुम्हारे अंदर आने से दोबारा करते हैं। रोलिंग रोलिंग। गॉट इट। ठीक है, तुम्हारी शक्ल देख के हंसी आ रही है।
2 मिलियन यूनिट गेट अवे रिंकल्स गया। अगर हमने समय पर और ऑलराइट 2 मिलियन यूनिट गेट अवे रिंकल्स। अगर ऑर्डर समय पर पूरा नहीं किया तो हम वापस जाओ। काट काट। चुप रहो। Come and get it. Come and get it.